बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ आर्या अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान रियाज खान को मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश पर गायब किया गया, इमरान रियाज के वकील का दावा। लेटेस्ट लोकेशन और हालत भी बता दी। इमरान रियाज की रिहाई का सिर्फ एक ही तरीका है, इमरान रियाज ईद पर आखिर घर क्यों नहीं आ सके। फैमिली को क्या क्या ऑप्शंस दी गई हैं, इमरान रियाज के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो किसके हाथ में है, अहम इंकशाफात आज की वीडियो में हम करेंगे। सीनियर एंकर इमरान रियाज को अगवा हुए हुए 53 डेज हो चुके हैं। ये कहना आसान है, लेकिन जिन पर गुजर रही है, जिस पर गुजर रही है, जो फैमिली है वो किस तरह से बर्दाश्त कर रही है, और इमरान रियाज के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, क्या सलूक किया जा रहा है, ये कोई आसान बात नहीं है। इस वक्त जी सोशल मीडिया पे उनके वकील का एक क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है। इस वीडियो से बहुत कुछ, हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है कि अब तक इमरान रियाज को छोड़ा क्यों नहीं जा रहा। मैं चाहती हूँ कि आप ये क्लिप जो है मुलाहिजा करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मरियम सफदर की एक ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद लोगों को जहां उठाया गया, इमरान रियाज को भी वही उसी अताब का शिकार हुए हैं। तो ये सारे लोग इकट्ठे करके ना ये काम किया गया है, इसीलिए गुजारिश की गई थी। पिछली 3 तारीखों से अदालत बार भी यही बात कर रहे हैं कि हमारी एजेंसी को ये किरदार अदा करना चाहिए, जो उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, उन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए इमरान रियाज की बाजियाबी को। और हम समझते हैं उन्हें पता होगा बहुत आगे एजेंसी है हमारी, जहां इतने बड़े दुश्मनों से लड़ रही हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फर्क सिर्फ इतना है कि इन रियासती इदारे जो खास तौर पर पुलिस है या इसकी सिस्टर एजेंसीज है, उनके सामने ये सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अदर साहब ने बात की है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी आईजी साहब ने, आईजी साहब टारगेट करते हैं हमारे पाकिस्तान के दिफाई और असासी सुनने वाले कहते हैं, और अदालत के सामने कहते हैं कि वो जो बंदे इमरान रियाज खान के घर रेड करने गए थे वो सिस्टर एजेंसीज के थे। तो मैं बार बार ये जो साहब वो कहता हूँ कि आईजी साहब अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनल क्रिमिनल लाइबिलिटी को और अपने बर्डन को जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे दिफाई व रियासती इदारों को स्केप गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका शेल्टर लेने की और उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। आईजी साहब जो उनसे हैं वो इस केस में लाजमी तौर पर अब अपने आप को जो है इंसाफ के तकाजे हैं, कानून के असूल हैं, आइन और इसकी किसी की जिंदगी का सवाल है, अपने आप को जो है साइड पे इखलाकी तौर पर जो है इस पोजिशन से स्टेप डाउन हो जाए। जब तक इमरान रियाज बाजियाब नहीं होता, आपकी ट्रांसफर, आपकी पोस्टिंग, अगर आपकी जो है वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपका क्रिमिनल इंटेंट, आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो इनएबिलिटी है उसको प्रोड्यूस करने में आप नाकाम रहे हैं, आपको इस तरह के ओहदे पर रहने का हक कोई नहीं है। अच्छा जी, वो कहते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आखिर कोई तो वजह है कि जी आईजी साहब जो हैं इल्ज़ाम सारे के सारे अपने ऊपर ले रहे हैं। कभी इमरान रियाज को सियालकोट से उठाया जाता है, फिर कभी जो है उनको अफ़गानिस्तान पहुंचा दिया जाता है, बाद में जाकर कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा कि वो अफ़गानिस्तान है। कभी ये बताने की कोशिश की जाती है कि इमरान रियाज अपनी मर्ज़ी से टूरिज़म करने जो है वो अफ़गानिस्तान चले गए, यानी कि इमरान रियाज ना हो गया, कोई एक जहल किस्म का आदमी हो गया जो मूड आ गया जो है अफ़गानिस्तान चला जाएगा। वो तो बेचारा ओमान जा रहा था, उसको तो पता चल गया था कि मामलात क्या चल रहे हैं, उसको ये कभी भी गायब कर देंगे, तो वो तो ओमान जा रहा था सियालकोट से। आपने मस्कत जाते जाते उसको जो है सियालकोट एयरपोर्ट से उठा लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि हमने उसको रिहा कर दिया, फिर आप एक सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं अदालत में, अदालत को गुमराह करने के लिए, फिर आप कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से जो है 4 बंदों के साथ बैठ के अपनी मर्जी से जो है वो चला गया। यानी कि आप पुलिस का मजाक बना रहे हैं, आप ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की पुलिस जो है वो सिफर है, उसकी कारकर्दगी बिल्कुल वैसे ही है जैसी पाकिस्तानी आवाम समझती है। यानी कि चले, हमें तो आपकी कारकर्दगी के बारे में पता है, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपना पेट उठा के दुनिया के सामने तो कोई भी नंगा नहीं करता ना, हालात जो मर्जी हों। आपने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को नंगा करके बता दिया कि हमारे बस में नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का एक शहरी, एक बड़ा सहाफ़ी जिसको अमेरिका बोल रहा है कि जी इंटरनेशनल सहाफ़ी, आप कहता है कि जी, आप कह रहे हैं कि जी वो टहलते टहलते चला गया, पता नहीं किसके साथ चला गया, जिस गाड़ी में बैठ के वो गए आप तो उसको भी ट्रेस नहीं कर पाए। यानी कि मजाक बना दिया ना आपने पाकिस्तान का। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता हम सबको पता है कि जी पाकिस्तान जो है उसके पास कितनी पावर है, लेकिन आपने दुनिया को पाकिस्तान को जो फुद्दू बनाकर आपने कहा कि जी पाकिस्तान तो बेवकूफ़ है, अंदर हम सारे जो है ना वो बेवकूफ़ है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, पाकिस्तान में किसी भी शहरी को हम गायब कर लेंगे, और सहाफ़ियों की तो ये औकात है। अब जी ये अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी साहब मियां अली अशफाक ने ये दावा भी किया है
कि इमरान रियाज को जी एक जगह पर नहीं रखा जा रहा, बल्कि उनकी लोकेशन बार बार तब्दील की जा रही है और उन्हें पुलिस या उसकी सिस्टर एजेंसीज जो हैं वो अपनी तहवील में रखती हैं, कभी पंजाब तो कभी केपी के। इमरान रियाज की लोकेशन जो है मुसलसल तब्दील की जा रही है, 53 डेज हो गए इमरान रियाज को गायब हुए। यहाँ पर जी सबसे अहम पॉइंट ये है कि इमरान रियाज के वकील ने जो पॉइंट उठाया है कि वो इमरान रियाज के मुस्तकबिल के बारे में जो है सवाल उठाया है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी इमरान रियाज की जो सहाफ़त है उसका जो जैसे करना है या जो वो सहाफ़त करते हैं वो उनका ज़ाती फैसला है। इमरान रियाज का मौक़िफ़ और नुक्ते नज़र उनकी फैमिली या दोस्त या फिर कोई भी वकील चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं कि अभी रात है और सारे लोग आपको मिलके कहते हैं कि जी रात नहीं है तुम दिन बोलो, तो वो नहीं कर सकता ना भाई। हर इंसान का अपना कोई ज़मीर नाम की भी चीज़ होती है, हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती है। जैसे कि मेरे ख्याल में कुछ मर्द समझते हैं कि हर औरत बिकाऊ होती है, इस तरह से उनको लगता है कि हर जर्नलिस्ट बिकाऊ होता है या किसी भी पोजिशन पर हर बंदा बिकाऊ होता है। तो भाई हर औरत भी बिकाऊ नहीं होती, हर मर्द भी बिकाऊ नहीं होता, हर पोजिशन भी बिकाऊ नहीं होती, हर सहाफ़ी भी बिकाऊ नहीं होता। ये बात हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम किसी पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं कर सकते हैं। हम ओपिनियन ऑप्शन दे सकते हैं लेकिन हम किसी को यह नहीं कह सकते कि जो हम कह रहे हैं वो करो। इमरान रियाज मौजूदा हालात को देखते हुए लगता नहीं है अभी कि इमरान रियाज जो है वो जल्द वापस आएंगे। ईद पर उनको रिहा नहीं किया गया जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रिडिक्शन कर दी थी जो हालात हैं उनको देखते हुए, जो सोर्सेज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कि इमरान रियाज ईद पर वापस नहीं आएंगे, मैं पहले बता चुकी थी और यही हुआ। बार बार सहाफ़ियों ने गुमराह करने की कोशिश की, उनके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की कि इमरान रियाज यहाँ हो गए। अभी मामला इतने आसान नहीं है, मियां अली अशफाक साहब जो हैं वो मामला को हैंडल कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और वो जो कर रहे हैं एटलीस्ट यार उन पे भरोसा रखें, क्योंकि उनकी इमरान रियाज की फैमिली ऑन करती है इस वक्त मियां अली अशफाक साहब को। मियां अली अशफाक साहब को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सरासर गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। जो बंदा किसी के लिए आवाज़ उठा रहा है साथ खड़ा, बड़ा प्रेशर है इस वक्त मियां अली अशफाक साहब पे, आसान चीज़ें नहीं हैं। हमें उनकी उनको मजबूत करना चाहिए, उनका मतलब उनको पीछे से बैक देनी चाहिए ना, कि हमने उनकी ज़मीन खींचनी है कि एक बंदा इमरान रियाज को लाने के लिए कोशा है, उनके वकील हैं, उनके दोस्त हैं, पकड़ के हम उनको ही जो है उल्टा टांगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सब मिलकर आवाज़ बुलंद करें तो मुमकिन है कि जो पाकिस्तानी सहाफ़त का नामवर सितारा है, एक बाब है, एक खूबसूरत जो है बाप है, एक हस्बैंड है, एक बेटा है और आप सब उससे प्यार करते हैं, शायद वो जल्दी वापस आ जाए। अच्छा जी, मरियम नवाज साहब आप एक दफा फिर से आप ये देख लें। आईजी का है, आपको पता है मरियम सफदर की एक ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद लोगों को जहां उठाया गया, इमरान रियाज को भी। अच्छा जी, इनके वकील कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा, मरियम सफदर जिनका नाम है, उनकी ये ख्वाहिश थी। तो यही बात जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं जिसमें सनम है और राजा हैं, उनकी सनम जावेद की वालदा भी ये बता चुकी हैं कि उनको पुलिस अफसरान ने बताया है कि आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है। मरियम नवाज साहिबा की जो है ख्वाहिश के मुताबिक उनकी बेटी को वो कहती हैं, वो दावा कर रही हैं मुख्तलिफ जगह पर, उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि उठाया गया है, क्योंकि मरियम नवाज को वो मिमिक्री करती थी, उनको उनके लिए अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करती थी जिससे मरियम नवाज साहिबा हर्ट हो गई। तो जी अब ये इमरान रियाज के वकील ने भी ये बात बोल दी है। देखें जी क्या होता है, अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है। इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज बहुत जल्द वापस आएंगे और उसी तरह से अपने काम को शुरू करेंगे जिस तरह से आप लोग चाहते हैं। उनके लिए दुआ करें क्योंकि इस वक्त उनको आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है।